development protostome versus deuterostomes first the contents development of mouth and anus coelom formation and the larval types in protostomes and the deuterostomes so first the development of mouth and anus so if we talk about protostomes and deuterostomes a comparative study tells that the developmental differences present in protostomes and deuterostomes include the फार्मेशन ऑफ माउथ एंड द इनस इव इन केस ऑफ प्रोटोस्टोम्स द ब्लास्टोपोर विच इज फॉर्म ड्यूरिंग गेस्ट्रोलेशन प्रोसेस डेट इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इन टू माउथ ये अगर हम प्रोटोस्टोम्स की बात करें तो गैस्ट्रोलेशन के दौरान जो ब्लास्टोपोर बनता है तो वही ब्लास्टोपोर बाद में या क्लोज होता है या नहीं होता है सम केसेज में बल्कि मोस्ट ऑफ द केसेज इट रिमेन ओपन और इट इज एंड इट इज डिवेल्प इन टू द माउथ ये माउथ में डिवेल्प हो जाएगा अब जो कि ब्लास्टोपोर से माउथ बन रहा है तो इसी वजह से प्रोटोस्टोम यानी पहले माउथ बना है जबकि जो एनस है इट डिवेल्प फ्राम सम अदर पोर्शन उसके तकरीबन अपोजिट पोर्शन के ऊपर या इसके अपोजिट साइड के ऊपर जाकर डिवेल्प होगा और एनस जो है वो अलग से डिवेल्प होगा इन केस ऑफ डिटेरोस्टोम्स डिटेरोस्टोम में इसके अपोजिट मौजूद है ड्यूटैरोस्टोम्स में जो ब्लास्टोपोर है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एनस ब्लास्टोपोर जो है उसने इनवर्स में कन्वर्ट हो जाना जबकि जो माउथ है या ओरल कैविटी है इट विल डिवेल्प फ्राम सम अदर एंड इससे जो डिजिटल एंड है जो जिसका अपोजिट एंड है वहाँ से क्या होगा कि डिवेल्प होगा यानी अगर हम सिंपल वे में देखें तो जो ब्लास्टोपोर है वो आर कैंटीरान यानी जो कैविटी है गैस्ट्रुलेशन की उसके एक तरफ है तो अगर जहाँ से कैविटी की ओपनिंग है ये ब्लास्टोपोर है तो ऑरकेंटीरान जहाँ से ओपन हो रही है प्रोटोस्टोम में यहाँ से डिवेल्प होगा माउथ और डिटेरोस्टोम्स में इस पोजिशन से डिवेल्प होगा एनस जबकि इसके जो अपोजिट साइड के ऊपर हमारे पास पोजिशन बनेगी ये वो पोजिशन होगी जहां से जाकर प्रोटोस्टोम्स के केस के में एनस डिवेल्प रहा है जबकि डिटेरोस्ट्रोम्स के केस में यहां से माउथ डिवेल्प होना है तो माउथ so, जो है डिटेरोस्टोम्स में अलग से डिवेल्प होगा सिलोम फॉर्मेशन सो सिलोम इज द बॉडी कैविटी सिलोम जो है बॉडी कैविटी है बहुत सारे प्रोटोसोम्स हैं जिनके अंदर सिलोम मौजूद है कुछ प्रोटोस्टोम्स ऐसे हैं जिसके अंदर सिलोम फॉर्मेशन नहीं होती है जैसे प्लेटि हेलमेट थी इसके अंदर सिलोम नहीं होती है बल्कि जस्ट वो ए सिलोमेट्स में आ जाएंगे जिन प्रोटोस्टोम्स के अंदर सिलोम फार्मेशन होती है उसमें अगर हम सोलोम सिलोम फार्मेशन का पैटर्न डिस्कस करें तो इनिशियली देर अ सॉलिड मैस ऑफ मीजन काम सेल्स मीजन कायम या मीजोडॉर्मल सेल्स का सॉलिड मैस होता है लेटर दिस मैस स्प्लिट ये मैस स्प्लिट करेगी और इसके बाद सिलोम विल बी फॉर्म्ड वायल इन केस ऑफ डिटेरोस्टोम डिटोरोस्टोम में सिलोम इज फॉर्म बाय द आउट पोचिंग ऑफ ऑर्केंटीरॉन। ऑर्केंटीरॉन जो होती है उससे क्या होता कि? है कि आउट पॉकेट्स बनती हैं बाद में वाइसा मिजोडर्म के दरमियान फैल जाती है सिलोम तो इससे प्रोटोस्टोम ड्यूटेरोस्टोम में मेजर डिफरेंस जो वो इन प्रोटोस्टोम्स मिजोडर्म इज फॉर्म बाई स्प्लिटिंग ऑफ मिजोडर्मल सेल्स या मिजन जबकि ड्यूटेरोस्टोम्स में सिलोम इज फॉर्म बाई द आउट पोचिंग ऑफ दर कैंटीरॉन आर कैंटीरॉन से कुछ आउट पोचिंग होगी जो बाद में सिलोम में कन्वर्ट हो जाएगी तो हेर इंद्राम यहाँ बड़ा क्लियरली देख सकते हैं कि अपर वन सिलोम फॉर्मेशन, जो ऊपर वाली है इसमें ये हमारे पास है कि किस तरह से ड्यूटेस्ट्रोम के अंदर किस तरह सेलोम फार्मेशन होगी तो सबसे पहले क्या होगा आउट पॉकेट आउट पोचेस बनेगी पॉकेट्स बनेगी ये पर आसास्था एक्टोडर्म और एंडोड्रम के दरमियान फैलती चले जाएंगे उससे हमारे पास जो वो सिलोम फॉर्मेशन हो जाएगी ये जो पैटर्न है ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर सिलोम फॉर्मेशन का दिस इज कॉल्ड द इंटैरोलस तो ये इंटैरोलस पैटर्न है वायल इन केस ऑफ प्रोटोस्टोम्स प्रोटोस्टोम अगर हम बात करें तो द दिजोडर्म इट इज प्रेजेंट द सॉलिड मैस इन फॉर्म सोलड मैस की फॉर्म में मिजोडर्म मौजूद है लेटर ऑन मिजोडर्म दरमियान से स्प्लिट करेगी एंड सिलोम विल बी फॉर्म्ड और सिलोम फॉर्मेशन हो जाएगी

मैनी ऑफ द फाइला ऑफ एनिमल किंगडम दे हैव लार्वी, तो बहुत सारे जो एनिमल किंगडम स्पेशली जो प्रोटोस्टोम्स के अंदर लार्वल स्टेज है वो मौजूद हैं तो मैनी ऑफ प्रोटोस्टोम दे हैव लार्वी एंड दिस लार्वी स्पेसिफिक नेम दैट इज कॉल्ड द ट्रोकोफो लार्वा तो प्रोटोस्टोम्स के अंदर जो लारवल स्टेज है वो ट्रोकोफो लारवी है ड्यूटेरोस्टोम्स में वैन इट इज प्रेजेंट तमाम ड्यूटेरोस्टोम में लारवल स्टेज नहीं होती है बट वैन इट इज प्रेजेंट इट इज स्पेसिफिक किडनी शेप है एन आधा डाइपिल्यूरो लार्वा इसको जो बोलते हैं तो इससे ड्यूटेरोम्स के अंदर डायपलोलर रेलवलार भी मौजूद है जबकि प्रोटोस्ट्रोम्स के अंदर हमारे पास जो वो ट्रोकोफोलारवी मौजूद है दोनों के अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास द फर्स्ट वन इज द ट्रोकोफोल आर्वी ये ट्रोकोफोल आर्वी है जिसके अंदर आप एक स्पेसिफिक इसका जो वो स्ट्रक्चर है जबकि द सेकेंड वन जो कि हमारे पास एक स्ट्रॉ शेप लार्वी जो है मौजूद है दैट्स दिस डाईपिलुला लार्वी